काशी की पहचान इसकी घाट और मंदिर ही नहीं बल्कि इसकी तंग गलियां भी हैं। जी हाँ, इन्हीं तंग गलियों में छिपे होते हैं अनेकों रहस्य। बनारस की हर गली की अपनी कहानी है और अपना ही रहस्य, और एक ऐसे ही रहस्य को आपको भी बताएंगे जिसे मौत का कुआं कहते हैं। काशी के इतिहास के पन्नों में छुपी है कई ऐसी रहस्यमयी कहानी। इसी कहानी के एक इतिहास के पन्ने को आज हम खोलने जा रहे हैं और बताएंगे एक कुआं ऐसा भी है जो जीवन और मृत्यु तय करता है। क्या वाकई मौत का संबंध परछाई से है? क्या हकीकत में कुएं में परछाई न दिखने पर मौत आ सकती है? मौत के बारे में कोई कुआं कैसे बता सकता है? हमारे मन में भी ऐसे सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब तलाशने R9 की टीम वाराणसी में उस कुएं के पास पहुंची जहां जिंदगी और मौत से जुड़ी कई कहानियां हैं। ऐसा कुआं जो मौत की भविष्यवाणी करता है। आस्था के इतिहास का पहला अध्याय काशी से शुरू होता है। यहां के कण कण में हजारों रहस्य भरे हैं। उन्हीं में से एक है मौत का वो कुआं जिसमें रहस्यों से भरा समंदर समाया हुआ है। इसमें कुएं में जो है लोग बताते हैं कि जो है बहुत पुराना कुआं है और इसमें जो है लोग जो प्रतिबिंब इसमें से नहीं दिखाई पड़ता है तो 6 महीने के बाद इसमें जो है लोगों की मृत्यु हो जाती है। और जैसा यहाँ के जो है मकान मालिक और यहाँ के व्यवस्थापक जो यहाँ के जो संस्थापक हैं वो सब इस सब चीज़ की जानकारियाँ उनको हैं और सब उसी लोगों ने बताया है, इसकी जानकारी हम लोगों को हुई है। भगवान शिव की नगरी काशी में चौक वार्ड में सिद्धेश्वरी देवी मंदिर के प्रांगण में ये वो कुआं है जो मौत की अग्रिम सूचना देता है। यूं तो इस कुएं को चंद्रकूप के नाम से जाना जाता है, लेकिन मान्यता है कि इस कुएं में झांकने पर अगर आपको अपनी परछाई दिखी तो आपकी उम्र अभी लंबी है, और अगर प्रतिबिंब ना दिखे तो समझ जाइए आने वाले 6 महीनों के अंदर ही आपकी मौत होने वाली है। काशी अपने आप में कई ऐसी कहानियां जो हैं वो काशी खंड या काशी पुराण में दर्ज हैं और कई ऐसे इतिहास हैं जो काशी अपने आप में समेटे हुआ है। यही कुआं है जिसमें तय करता है जीवन और मरण। अगर आपका इसमें प्रतिबिंब ना दिखे, परछाई ना दिखे, तो लोगों का कहना है कि महज 6 महीने के अंदर में आपकी मृत्यु तय है। यही वजह है कि चाहे जवान हो या बुजुर्ग, हर कोई इस कुएं में एक झलक देखना चाहता है और देखकर ये तय करना चाहता है कि जीवन और मृत्यु में कितना समय है। कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जो इस कुएं में देखना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें भय हो जाता है जीवन और मृत्यु का असली सच जानने से। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण भी धर्मराज यमराज ने करवाया था। कुएं का निर्माण कौन से युग में हुआ इसकी साक्ष्य तो मौजूद नहीं, लेकिन मंदिर के पुजारी ने बताया कि धरती पर गंगा के उतरने से बहुत पहले काशी में इस कुएं का निर्माण हुआ है। अनादि काल में बने इस 50 फीट गहरे कुएं का इतिहास सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसके जल में 6 महीने तक यदि परछाई न दिखाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है, ऐसा भी महत्व आया है। और बहुत प्राचीन कुआं है और इसमें स्नान करने का, जल पीने का, तर्पण करने का और भगवान चंद्रेश्वर महादेव का, जैसे जन्म कुंडली में चंद्र मतलब खराब ग्रह है तो उससे मतलब मानसिक स्थिति खराब है आपकी, मतलब चंद्रमा किससे विशेष आप पीड़ित हैं तो उसका दर्शन करने से, स्नान करने से विशेष महत्व होता है। कुएं के पानी में तमाम तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि पौराणिक काल में साधु संत अकाल मृत्यु से बचने के लिए इस कुएं में अपनी परछाई देखते थे, तभी से ये परंपरा चली आ रही है। कुएं की कहानियां महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले पांडव श्री कृष्ण की कृपा से यहां आए और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति और जीत के प्रति आश्वस्त हुए। मौत का आईना दिखाने वाला ये वही कुआं है जिसके बारे में बनारस की गलियों से लेकर देश दुनिया के पास इसकी चर्चा है। इसी कुआं का इतिहास जानने के लिए R9 TV की टीम यहाँ पहुँची थी जो जाना कि इस कुएं को मौत का आईना कहा जाता है।
जीवन और मृत्यु तय करती है ये कुआं, बताती है कि आपका जीवन कितना लंबा है या कितना कम। कई इतिहास समेटे हुए है ये प्रांगण अपने अंदर। इसी इतिहास के एक पन्नों में से हमने इस कुएं को खोजा और दिखाया कि क्या है इस कुएं की असली हकीकत। तो मौत का आईना दिखाने वाला ये कुआं, जहां जिंदगी और मृत्यु तय करती है, तो वहीं इसका पानी लोगों के लिए काफी लाभकारी भी बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से R9 TV राजू श्रीवास्तव।